पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज रायपुर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी को चॉकलेटी कहने के भाजपा नेताओं के बयान पर यह कहा है कि भाजपा महिलाओं के प्रति हमेशा अपशब्द का प्रयोग करती है, इसकी मैं निंदा करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। उन्होंने केंद्र सरकार को यू टर्न की सरकार बताया। वहीं मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के सवाल पर यह कहा कि सरकार ने सोच समझ कर जनता से वादा किया है। दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह आज रायपुर पहुंचे हुए हैं, और इससे पहले कि हम जो उनसे वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति और मोदी सरकार को लेकर वो क्या सोचते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी हैं। दिग्विजय सिंह जी, सबसे पहले मेरा सवाल है, आप मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? केवल 3 महीने बाकी है, उनका कहना है कि वो विकास के दम पर चुनाव लड़ने जा रही, आप कांग्रेस कैसे देखती है इसको? पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो तो नहीं निभाए। जो उन्होंने अपने भाषणों में वादे किए थे वो भी नहीं निभाए। जिन कांग्रेस की नीतियों का उन्होंने विरोध किया था उन्होंने उसे न केवल स्वीकार किया लेकिन उसका श्रेय भी लिया, यानी कि यू टर्न। कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अनेक ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जहां खुलकर उन्होंने और उनके लोगों ने भ्रष्टाचार किया। छत्तीसगढ़ का ही ले लीजिए, राज्यों की बात छोड़ दीजिए, खुद राफेल डील में जो हवाई जहाज 125 करोड़ में खरीदा जा सकता था वो 1600 करोड़ में खरीदा गया। सर, अभी 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों में जीत हुई है। अगर बात करें तो लोकसभा की महज 4 सीटें हैं इन तीनों राज्यों में, जीत कैसे होगी इन सीटों पर? इतना मैं जानता हूं कि भाजपा हारेगी, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर राज्यों में होगी जहां से उन्हें प्रचंड बहुमत मिला, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, इन राज्यों में भारी बहुमत इनको मिला था, उसमें मोदी जी हारेंगे। सर, यूपी में महागठबंधन हो गया है, सपा बसपा का और प्रियंका ही है, भाजपा के नेता इसे चॉकलेटी कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? भाजपा के लोगों का जो महिलाओं के प्रति अपशब्दों का उपयोग होता है उसकी मैं निंदा करता हूं। प्रियंका जी उस घराने की हैं जिनके परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में सर्वत्र न्योछावर किया। उनकी दादी ने और उनके पिता ने देश के लिए शहादत दी। कि मध्य प्रदेश में जो कर्ज माफी को लेकर है उस पर यह कहा जा रहा है कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कर्ज माफी पूरी तरीके से किया जा सके। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है केवल वोट लेने के लिए जो है ये वादे किए हैं, और आज स्थिति यह है कि कर्जा माफी नहीं हो पाएगी पूर्ण रूप से। पूरे सोच समझ कर निर्णय लिया गया है। पहली बात तो यह है कि सहकारी बैंकों में भाजपा के समय के जिन लोगों ने कर्जा भी नहीं लिया वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के राज में सहकारी समिति के और सहकारी बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों ने फर्जी लोन बांट दिया। मोदी को अगर आप नंबर देना चाहें पूरे उनके 4 साल 8-9 महीने के लगभग कार्यकाल में, तो एक लास्ट कमेंट चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे या नंबर कुछ देना चाहेंगे इस पर? तो मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा कि स्वयं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय चुनाव 2014 में घोषणा पत्र लिखा उसके अध्यक्ष थे, उनसे जब पूछा गया कि आप मोदी जी को कितने नंबर देंगे, उन्होंने कहा कि उत्तर पुस्तिका कोरी है उसमें मैं क्या नंबर दूंगा। जब मुरली मनोहर जोशी ये कह रहे तो मुझसे क्या उम्मीद करेंगे आप? तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि मोदी के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं और नंबर देने की ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उत्तर पुस्तिका में कुछ ऐसी बातें लिखी गई नहीं, अर्थात जो वादे किए गए वो वादे पूरे हुए ही नहीं है। कैमरा में लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।